significant figure. Significant figure. Significant figures purpose all accurately now digits and first double digit. All accurately now digit and the first double digit. जीरो से हमने चीज के ऊपर जो सा काम कर जाएंगे सारे एक्टिविटी नौ डिजिट फोर फर्स्ट डबल डिजिट इसके अंदर हमें इस तरह से मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी की जो सी की वैल्यूज हमारे पास आती है फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू जो सी आती है मैग्नीट्यूड हमारे पास उनको लिखने के लिए हमें कुछ सूटेबल यूनिट्स की जरूरत होती है जिनको हम लिख के रोजाना फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको लिखने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो उसको हम ट्रूली कैसे उतना वो लिखेंगे उसके डिजिट जो से है वो हमारे पास करेक्ट वैल्यू जो है वो कैसे देंगे तो इसकी एक्यूरेसी वो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए ये डिपेंड करती है इसकी एक्यूरेसी कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो कि फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है सबसे पहले हमारे पास जो सा फैक्टर मौजूद है वो है क्वालिटी क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है ये वाला पॉइंट है हमारे पास ये फैक्टर जो है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सबसे पहले हमने जो है वो क्वालिटी जो है वो चेक करनी है क्वालिटी जो है वो हमने चेक करनी है किसकी इंस्ट्रूमेंट की जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी अच्छी वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा जितनी बेस्ट क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी अच्छी वैल्यू जो है हमें और एक्यूरेट वैल्यू जो है विदाउट एरर प्रोवाइड करेगा और जितना और उसके एवज अगर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा नहीं है तो इट्स मीन क्वालिटी उसकी जो है वो लो है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमें सिर्फ जो है वो ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रही होगी बजाय हमारी रीडिंग भी इसके बजाय हमारी रीडिंग जो है वो सारी खराब कर रही होगी तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी जो है ना भाई इंस्ट्रूमेंट की वो बेस्ट होनी चाहिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो सा फैक्टर है हमारे पास द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर अच्छा जी ऑब्जर्वर कौन है जो कि पैमाइश कर रहा है ठीक है विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो स्किल जो है ना उसके ऑब्जर्वर के जो है अच्छी होनी चाहिए यानी कि अगर कोई रीडिंग ले रहा है इंस्ट्रूमेंट को यूज करके तो उसे पता हो कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है और कहाँ से रीडिंग की पैमाइश करनी मैंने शुरू करनी है और किस तरह मैंने रीडिंग जो है वो लेनी है तो लिहाजा उसके पास स्किल्स होने चाहिए इस चीज़ के कि वो जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करना उसे पाता हो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास आम तौर पे अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट करते हुए हम लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हुए हम थ्री रीडिंग्स तक जाते हैं ठीक है क्योंकि काफ़ी होती है हमारे लिए एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए मैग्नीट्यूड वैल्यू को एवरेज मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी होती है लेकिन एक सर टाइम हमारे पास जो होता है वो थ्री रीडिंग्स काम नहीं कर रही होती जैसे एक्सपोज करेंगे मैं एक अगर ग्राफ प्लाट करना चाह रहा हूँ तो ये ग्राफ प्लाट करेंगे ये ग्राफ तो सपोज इसकी मैं स्ट्रेट लाइन जो है वो बनाना चाह रहा हूँ विद हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स जो कि हमने रीडिंग के थ्रू लिए हैं तो सपोज करते हैं कि एक पॉइंट जो है वो इसका इधर लाई कर गया है ठीक है एक पॉइंट जो है वो इसका लाई कर गया है इधर दूसरा पॉइंट इसका जो है वो इधर आ गया तीसरा पॉइंट जो है वो इधर आ गया तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो मुझे चाहिए था कि पॉइंट जो है वो तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही आने चाहिए इसके एवज लिहाजा इधर आके जो है हमें पता लग गया कि रीडिंग जो है थ्री हमारे पास जो है वो कम है अगर हम सिक्स या सेवन रीडिंग जो है इधर देना शुरू कर दें तो कुछ कोई ना कोई पॉइंट जो है वो इधर जो है वो नीड कर जाएगा तीन पॉइंट हो गए चौथा पॉइंट इधर आ गया पांचवा पॉइंट इधर लाइक कर गया छवा पॉइंट फिर इधर आ गया सातवा पॉइंट इधर आ गया तो लिहाजा अगर हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये हमारे पास अब स्ट्रेट लाइन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी तो लिहाजा इससे पता चला हमें कि हमारे पास जो है तीन पॉइंट जो है ना वो ग्राफ के लिए काफ़ी नहीं होते हमने जो है रीडिंग जो है वो ज़्यादा लेनी होती है तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगी उतना रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा
सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने ट्रू वैल्यूज जो होती हैं वो अंदर से निकालनी होती हैं। एक तो टेम्पोरेरी नॉन डिजिट्स जिनका हमें पता है, और डाउटफुल डिजिट्स जो हमारे पास नेक्स्ट में होता है पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे जिनका हमें पता नहीं है कि वो अंदर सिग्निफिकेंट के आते भी हैं कि नहीं। सपोज के एग्जाम्पल इसके लिए देते हैं, एग्जाम्पल आपको बताने लगा हूँ आपके बुक के ऊपर जो सी एग्जाम्पल की नोट की गई है कि ये जो है मीटर रूल ही है रूलर, उसके थ्रू जो है वो बुक की पैमाइश जो होती है वो बच्चों के थ्रू करवाई जा रही है। ये फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो पैमाइश की गा रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है ये बुक है हमारे पास और ये उसने मीटर जो है ना रूल रखा और उसकी जो सी है पैमाइश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट ने जो सी है इसकी मेजरमेंट हमें दी है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर जो सी है उसने हमें ये मेजरमेंट जो सी है वो प्रोवाइड की है। तो इसके मुताबिक जो है ना ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारे पास जो है ना वो एक्यूरेट है, एक्यूरेटली नौ डिजिट, और उसके बाद ये एट जो है वो हमारे पास डबल फुल डिजिट है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट जो आया हमारे पास वो एक्यूरेटली नौ डिजिट है और सेकंड डिजिट जो आया वो हमारे पास डबल फुल डिजिट है। ये जो है सिग्निफिकेंट के फिगर के अंदर हमने ये इसे ऐसे चेक करना होता है। और अगर मैं इनकी सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट्स की तादाद कितनी है इधर, तो वो हमारे पास जो है वो टू है, क्योंकि दो जो से हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद है, एक एक्यूरेट है और एक डबल फुल है, दोनों जो से मिला के टू हमारे पास मौजूद है। तो अगर इसी को एग्जाम्पल को आगे लेके चाहिए कि सेकेंड स्टूडेंट जो है वो हम दूसरे स्टूडेंट को हमने कहा कि वो आप जो है ना डिनी लो विद हेल्प ऑफ रूल और बुक को जो है पेमाइज करो, तो उसने जो सी हमें मेजरमेंट्स करके दी है वो आई है हमारे पास 18.4 सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो पेमाइज आई है। तो इधर जो है ये 1 और 8 ये दोनों जो है हमारे पास एक्यूरेट है, एक्यूरेटली 9 डिजिट्स, और 4 जो है वो हमारे पास डबल फुल डिजिट आ रहा है, 4 जो है वो डबल फुल डिजिट हमारे पास आ जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद से बताना चाहें तो ये देखिए 1, 8 और 4 दो एक्यूरेट डिजिट आए हैं और 4 जो है हमारे पास डबल फुल डिजिट है, तो टोटल मिला के जो है वो हमारे पास 3 हो गए। क्लियर, तो इसी के मुताबिक अगर मैं इसी को कह रहा हूँ तो ये थर्ड पर्सन जो है थर्ड स्टूडेंट को अगर हम ये रीडिंग जो है वो ले, तो थर्ड स्टूडेंट जो उसकी रीडिंग ली है वो हमारे पास है 18.425 सेंटीमीटर। तो थर्ड स्टूडेंट ने जो है वो इस तरह की हमारे पास जो है वो रीडिंग ली है, तो इसमें फिर उसी तरह 1 और 8 दोनों मिला के हमारे पास एक्यूरेट होंगे, एक्यूरेटली 9 डिजिट्स, और 4 हमारे पास जो है 4 जो होगा वो डबल फुल होगा, डबल फुल डिजिट। क्लियर है, और ये लास्ट टू जो से हैं 2 और 5 जो से हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट डिजिट से नहीं होंगे, पॉइंट के पास काफी दूर जो से वो डिजिट चले गए हैं, तो लिहाजा वो सिग्निफिकेंट हमारे पास नहीं होंगे। तो अगर इनके अंदर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखना चाहूँ, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद, तो पहले दो हमारे पास एक्यूरेट थे और नेक्स्ट वाला हमारे पास फुल था, तो टोटल हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए। ये थी एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको बताया गया है कि इसके अंदर से एक्यूरेट डिजिट्स और फर्स्ट डबल फुल डिजिट जो है वो कैसे हमने जो है वो चेक करने होते हैं, और कैसे जो है हम सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं और उनकी फिगर की तादाद जो है वो मालूम करते हैं। तो इसके बाद जो है ना कुछ रूल्स हैं वो मैं जो है आपको बता दूँ, रूल्स जो है मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। Rules to find significant digits. सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जो है ना वो फाइंड करने के रूल जो है हमने देखने हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो नॉन जीरो जितने भी होंगे नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स वो सारे जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे।
non-zero digits are significant. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट जो ऑप्शन होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे. सपोज के मैं एक ऑप्शन है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि 2705. ठीक है, ये इस तरह की एग्जांपल मैं लिख देता हूं, तो इसके अंदर जो होता है हमारे पास है सारे जो है वो डिजिट से सिग्निफिकेंट होंगे. नॉन जीरो, उसके बाद 6251, उसके बाद 23, ये सारे जो है हमारे पास है सिग्निफिकेंट डिजिट से कहलाएंगे. और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर से सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर देखें ये 4 है, 1 2 3 4, और इसके अंदर भी 4 है, और इसके अंदर जो था हमारे पास है तादाद जो है वो 2 है. इसके ये जो था फर्स्ट रूल था हमारे पास. सेकंड रूल की बात करेंगे, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स. जीरो जो होता है आर आल्सो सिग्निफिकेंट. जीरो जो होता है वो अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ गया है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर करेंगे. जैसे कि ये मैंने ऊपर एग्जांपल में उसे एक नोट की थी, तो मैं नीचे भी करता हूं, यहां पे 2005 2708 ये जो है हमारे पास, यानी कि ये देखें कि आप जीरो जो होते हैं वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ गए हैं. दो सिग्निफिकेंट डिजिट 2 एंड 5 दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ऊपर हमने बताया कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, तो उन दोनों के दरमियान जीरो हमारे पास आ रहा है तो वो भी हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट ही कहलाए जाएंगे. इसके अंदर ये जीरो आ रहा है तो ये भी हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर. अगर मैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखना चाहूँ तो देखें 1 2 3 4, और इसके अंदर देखना चाहेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट जो है हमारे पास मौजूद है. ठीक है, और उसके बाद 3 वाला रूल हमारे पास है, फाइनल आर एंडिंग जीरो. जी, फाइनल आर एंडिंग जीरो की बात करेंगे कि लास्ट में जीरो आने वाले जो से हैं, तो इसके अंदर जो है ना तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे रूल के अंदर मैं लिख रहा हूं 2800. ठीक है, लास्ट पे जीरो आने वाले जो से होंगे वो भी हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे. कि ये हम जो है लिखेंगे कि ये 2 और 8 ये दोनों हमारे पास जो है वो एक्यूरेट है, और नेक्स्ट हमारे पास ये जो है दोनों जो है वो डाउटफुल डिजिट जो है वो मौजूद है, तो लिहाजा ये भी जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे. तो उसके बाद जीरो जो है हमारे पास ये राइट साइड पे आने वाले हैं. तो इसके बाद अगर मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0 0, तो ये भी हमारे पास जो है बिल्कुल सेम इसी तरह ही आएंगे जिस तरह जो चाहिए हमने डिनोट किया है. तो अगर मैं इसको जो होता है इधर से ये भी 0 कर दूँ तो ये भी हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही कंसीडर किए जाएंगे, और इनके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो होगी इसकी भी 4 और इसकी भी 4. फोर वाले रूल में हमने देखना होता है, फोर वाले रूल में मैंने चेक करना है इसको कि जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले जो से जीरो होंगे. सपोज एग्जांपल कर लेते हैं, इसकी जो से हम काट देते हैं एग्जांपल 25.00, तो ये पॉइंट के बाद जो से डिजिट्स आने वाले हैं वो हमारे पास जो है वो ये देखें कि दो जो से वो हमारे पास एक्यूरेट डिजिट्स होंगे, और नेक्स्ट दो जो से वो डाउटफुल डिजिट होंगे क्योंकि करीब करीब है. इनको हम कंसीडर करेंगे, और इनके सिग्निफिकेंट फिगर की जो से तादाद होगी वो हमारे पास 4 होगी. अगर लेट्स सपोज कि वैल्यू जो से वो हमारे पास आ गया 500.00, इस तरह की कोई वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई है, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ये 500, और ये वाला 0 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट से नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाला वन जो है हमारे पास डाउटफुल डिजिट जो है वो मौजूद है, और ये जो है हम कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट वाले 0 जो है वो दूर हो गए हैं काफी, इसलिए जो है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. तो इसको हम कह सकते हैं मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला रूल जो है वो क्या है, 5 0 ऑन द लेफ्ट साइड, 0 ऑन लेफ्ट साइड. 0 जो होता है लेफ्ट साइड पे आने वाला होगा, सपोज की वैल्यू 0.007. ठीक है, तो 2 7 कर देते हैं,
ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है। तो लेफ्ट साइड वाले जो से जीरो होंगे वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड वाले जो से जीरो होंगे वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो से जीरो यूज किए जा रहे हैं प्लेसिंग के लिए, प्लेस स्पेस को कंज्यूम करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। 27 को उसने स्पेस कंज्यूम की करवाई हुई है, तो ये लगातार जो है ये दो हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे, और ये जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद जो होगी वो दो होगी इसमें। ठीक है, क्लियर है। सो इसी तरह जो है ना हम एक बड़े एग्जांपल ले लेते हैं 0.003, तो इसके अंदर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट के तादाद जो होती है वो 1 होगी, 1। ठीक है, ये वाला जीरो जो होते हैं वो स्पेस को कंज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो है ना वो स्पेस को कंज्यूम किया जा रहा है। तो लेफ्ट साइड वाले जो से जीरो होंगे वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ 3 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है, इधर तक समझ आ गया सब बच्चों को? आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में जो है मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको उसको डिटेल में उसके ना मुझे आपको बताऊँगा।